हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहां पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। बात करते हैं इमली के आने वाले एपिसोड की। तो दिखाया जाएगा सूर्या रेडी हो रहा होगा, इमली डेकोरेशन स्टार्ट करेगी फ्लावर के साथ। सूर्या पूछेगा इमली से क्या हुआ। इमली कहती है कि सूर्या तुम खुद सोचो। सूर्या को कॉल आता है अंजलि का और वो पागल हो जाता है। वो कहता है कि आज तो मैं किसी को मारना चाहता हूँ। सूर्या अंजलि से कहता है कि मैं आ रहा हूँ। पल्लो मामी यहाँ पर सब को घर लाती है। इमली वेलकम करती है सबका। पल्लो कहती है समधन जी बैठिए ना सोफे पर, और इंदिरा पल्लो पर चिल्लाती है। इंदिरा इंसल्ट करना शुरू करती है पल्लो की और उसके समधन की। इमली कहती है इंदिरा से कि आप अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रही हैं तो मुझसे कह सकती हैं। मामा यहाँ पर इंदिरा से पूछते हैं कि क्या हुआ। इंदिरा एक्सप्लेन करती है सबको कि इमली ने कैसे सूर्या को थप्पड़ मारा। अर्जुन यहाँ इमली से माफ़ी मांगता है, अप्पा शौक है यह सुनकर। पल्लो यहाँ पर कहती है इमली से कि तुम कुछ गलती करने से पहले सोच नहीं सकती। इमली कहती है इंदिरा से कि मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन इंदिरा जी तो डिटरमाइंड है, वो सबको बताएंगी और अपना बिहेवियर क्या है ससुराल में ये मुझे ये दिखाना चाहती हैं। सूर्या आता है अंजलि और उसके फियांसे से मिलने और देखता है कि ये सब क्या हो रहा है। अंजलि यहाँ पर पैरानॉइड हो चुकी है। अंजलि यहाँ पर सूर्या से कहती है कि मैं इमली को मारना चाहती हूँ क्योंकि उसने तुम्हें थप्पड़ मारा। अंजलि यहाँ पर सूर्या से कहती है कि मैं इमली को मार दूंगी। सूर्या उसके हाथ से नाइफ लेने की कोशिश करता है और एक्सीडेंटली सूर्या यहाँ पर जो बैंडेज है उसकी वो खुल जाती है। सूर्या और अंजलि यहाँ पर पढ़ते हैं मैसेज। सूर्या को पता चलता है अंजलि से कि मालती ने उसे बता दिया इमली ने थप्पड़ मारा है। सूर्या कहता है कि हर कोई फैमिली में इससे अवेयर है कि क्या हुआ है मेरे और इमली के बीच। सूर्या वापस घर भागता है। इमली रिक्वेस्ट करती है इंदिरा से कि हम बाद में बात करें। इंदिरा कंटिन्यू करती है इमली और उसकी फैमिली को इंसल्ट करना। निर्मला कहती है कि पल्लो की समधन और बुलबुल और इमली यहाँ पर सेम नेचर की है, मुझे तो लगता है कि बुलबुल भी ऐसी ही बहू बनेगी। पल्लो कहती है इमली से कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं इनकी बेटी नहीं हूँ। इंदिरा यहाँ पर कहती है इमली से कि सूर्या बहुत ऑनेस्ट है। महेश भी यहाँ पर इमली की इंसल्ट करने लगता है। विजय जी यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ कहते हैं कि हमें बुलबुल से रिश्ता नहीं करना, प्रशांत चलो। पल्लो मामी मामा जी रिक्वेस्ट करते हैं सभी लोग, लेकिन विजय डिटरमाइंड है कि वो रिश्ता नहीं रखेगा। इमली इंदिरा से कहती है कि आपको जो कहना था मुझसे कह सकती थी, आखिर आपने बुलबुल का रिश्ता क्यों तोड़वाया। इंदिरा या इमली से कहती है कि तुम्हें भी पता होना चाहिए कि बुलबुल के रिश्ता कैसे टूटता है। पल्लो मामी इमली से कहते हैं कि तू इतनी ज़्यादा बेशरम लड़की है कि जो अपने पति को पीटती है तुझे शर्म नहीं आती। अप्पा भी पल्लो पर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ पर कुछ मत कहिए, मैं इमली से बात करना चाहता हूँ। अप्पा यहाँ इमली से कहते हैं सच क्या है। सूर्या यहाँ पर कहता है सीरियस है कि इमली ने मुझे थप्पड़ मारा। सूर्या विजय जी उसकी फैमिली को भी वापस ले आते हैं। सूर्या सबको कहता है कि इमली को ऐसा लगा था कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ इसलिए मुझे उसने थप्पड़ मारा, लेकिन वो गिल्टी भी है। प्रशांत यहाँ पर सूर्या से कहता है लेकिन ये ठीक नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं मानता हूँ कि इमली को अपनी गलती रियलाइज़ है, लेकिन इंदिरा जी तो ऐसे कह रही हैं कि बुलबुल की अपब्रिंगिंग भी इमली जैसी ही है। सूर्या सजेस्ट करता है विजय से कि तुम्हें रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि इमली और उसकी बहनें अगर रोटी बनाना जानती हैं हाथ में बेलन लेकर तो वो उसी बेलन से गुंडों की पिटाई करना भी जानती हैं। वो जितनी ऑनेस्ट हैं वो उतनी ईमानदार हैं, वो इतनी लविंग और केयरिंग भी हैं। इन शॉर्ट सूर्या घर वालों को मना लेता है और पल्लो का रिश्ता नहीं टूटता और इमली खुश हो जाती है और सूर्या उसकी नज़र में हीरो बन जाता है। यही सब दिखाया जाएगा अपकमिंग ट्रैक में, देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि आखिर कैसे कहानी में ज़बरदस्त ट्विस्ट आएगा। फिलहाल तो ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।